साथियों आप सबको जोहार। उन्नीस के जनादेश के बाद इस राज्य में हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। सरकार के गठन के बाद जो विपदा आई 2020 में, वो हम सबसे छुपी हुई नहीं, जो आज भी एक चुनौती बनी हुई है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। इसके बावजूद सीमित संसाधन में 2 वर्ष का कार्यकाल सरकार आगामी 29 तारीख को पूरा करने जा रही है। हम कह सकते हैं कि हेमंत 2 साल का जो हेमंत शासन, तो बीजेपी परेशान। कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष और एक उनके लाए हुए विधायक, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया। किस प्रकार लोग परेशान हैं, वो दस्तावेज उसका जीता जागता एक डॉक्यूमेंट। इतना गलत बयानी, इतना भ्रम फैलाना, ये कल हम लोगों ने देखा। उनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद भी हैं, केंद्र सरकार के साथ समय समय पर, चाहे वो डीवीसी का मुद्दा हो, एनटीपीसी का मुद्दा हो, एचईसी का मुद्दा हो, इंडियन केबल कंपनी का मुद्दा हो, हमारा जीएसटी हो, हमारा डीएफटी हो, हमारा बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड हो, हमारा रॉयल्टी हो, रेलवे से प्राप्त होने वाले रॉयल्टी हो, सभी मुद्दों को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपनी बात रखी। लेकिन 2 वर्षों में हम कह सकते हैं कि 20 में से 16 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस विषय में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करवाया। इसके बावजूद कोरोना से लड़ते हुए विगत 6 माह सरकार 30,000 करोड़ से भी ज्यादा परिसंपत्तियों का वितरण करने का काम, 30 ऐसे लैंडमार्क बनाए। मैं कोरोना काल का बात नहीं लाना चाहता। पहली बार इस राज्य ने कि मूलवासी अपनी पहचान के लिए सरना धर्म कोड की पहल हम लोगों ने की विधानसभा से, उस पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, टीएससी से हुआ। जो यहां के आदिवासी बच्चे मारंग के पारदेशीय
जो शिक्षा योजना है, ये माइलस्टोन है। मुख्यमंत्री दीदी किचन, दीदी बाड़ी योजना जो भारत सरकार सभी राज्यों से कह रही कि झारखंड से सीखो, सोना सौरम धोती साड़ी लूंगी योजना, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का व्यापक ताप में उसको लेते हुए 16 लाख नए कार्ड, जो इतना लंबा एक मांग था यहां के नौजवानों का, पारा किचन का, उस समस्या का स्थायी हल बिरसा हरित ग्राम, पोटो होल खेल योजना, सहाय जो सबसे घृणित जघन्यतम चीजें हैं, मॉब लिंचिंग, उसके विरुद्ध कानून बनाना, जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना, स्किल यूनिवर्सिटी का स्थापना, मॉडल स्कूल की परिकल्पना, ऐसे 30 से भी ज्यादा। और सबसे बड़ा जो आपके अधिकार, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम, मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल कि 2 साल में शुरू हुआ समस्याओं का हल निकलना, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी 3रा साल बेमिसाल होगा, 4थे साल में झारखंड खुशहाल होगा, और जब एक पूरा शासन का कालखंड बीतेगा तो समृद्ध झारखंड भी बनेगा। भाजपा परेशान हो गई कि इतनी सारी योजनाएं आज ही पहली बार इस देश में पंचायत स्तर पर फुटबॉल का प्रतियोगिता आयोजित की गई, मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण प्रतियोगिता, किस लेवल पे इसको ले गया गया, माइक्रो लेवल पर खेल को लेके जाया गया, इंटर पंचायत हुआ, इंटर प्रखंड हुआ, तब जाकर जिला की प्रतियोगिताएं। हम लोग तो समझ से परे कि भाजपा को हो क्या गया, टेंडर में जो निविदाएं निकाली जाती 10% आरक्षण अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सुनिश्चित किया गया, 25 करोड़ तक के निविदाएं उनके लिए रखी गई, नया इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए, हाथी उड़ाने वाला नहीं, उद्योग की स्थापना करने वाला, रोजगार देने वाला, किसान पाठशाला शुरू हुए। हम लोगों ने, इस सरकार ने कुपोषण को एक बहुत बड़ा चुनौती मानते हैं
परियोजनाएं तैयार थी। हम कह सकते हैं जो यहां के जो अल्पसंख्यक टीचर्स हैं, मदरसे हैं, जो माइंड के स्कूल्स हैं, उनके समस्याओं का हल निकाला, जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो एक अभूतपूर्व कंसेप्ट है। सहाय युवाओं को खेल के साथ साथ रोजगार के साथ जोड़ रही है। उसके बाद भी भाजपा को समझ में नहीं आ रहा, आज का कोई कार्यक्रम था उनका हल्ला बोल। हमने तो जो अभी तक रिपोर्ट आया, हल्ला बोल हो गया गोल, मुद्दे नहीं रह गए। इस सरकार के खिलाफ मुद्दा विहीन विपक्ष, कोई सकारात्मक सुझाव नहीं, किसी तरह की केंद्र सरकार से सहयोग की कोई भावना नहीं। एक किसी तरफ रहा है सांसदगण संसद में बैठकर दांत भींच के ताली बजा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एचईसी का जमीन बहुत पसंद आता था, कई बार आए प्रभात तारा मैदान, योग के नाम पर आए और क्या क्या कौन कौन नाम पर आने का उन्होंने काम। लेकिन आज ये चीज जिस प्रकार से करा रहा है, इंडियन केबल कंपनी जिस तरह से करा रहा, हमको लगता है भाजपा का चेहरा तार तार हो गया। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जो काश्तकारी है ग्रामीण क्षेत्रों में, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, सखी मंडल का जो कंसेप्ट है, जो मॉडल है, पूरे देश के लिए अनुकरणीय। हम लोगों ने शासन करने के लिए शासन नहीं चलाया, हम लोगों ने जो संघर्ष से प्राप्त जो ये राज्य बना, इस राज्य में झारखंडियत को बचाने का काम किया। भू सुधार के क्रम में कई निर्णय लिए गए, हम लोगों ने सुनिश्चित किया पहली बार कि सरकारी नौकरी में स्थानीय जनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
ऐसे अनेक काम जो हमारे केवल चुनावी वादे नहीं थे, चुनावी निश्चय या संकल्प नहीं थे, हमारी प्रतिबद्धता है, उस काम को हम लोगों ने शुरू करने का काम किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब संक्रांत के बाद जब उत्तरायण होगा सूर्य, तो आपको दिखेगा कि राज्य के विकास और समृद्धि का जो सूर्य का उत्तरायण है वो स्पष्ट तौर पर दिखेगा। हमने एक बार कहा था आपको कि दही चूड़ा खाएंगे, सरकार बनाएंगे, आप तमाम पत्रकार मित्रों को याद होगा। आज फिर कह के जा रहे हैं दही चूड़ा गुड़ पीठा खाएंगे, झारखंड को संवारेंगे। आज इतना ही आप लोगों से बात करनी थी, कोई यदि सवाल है तो वो आमंत्रित। दादा, बीजेपी वालों ने हवन का कार्यक्रम सरकार को संबोधित किया। देखिए, जिनका लोकतांत्रिक हवन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और अब तो लोग भाजपा के नाम पे पिंडदान भी कर रहे हैं, हमने सुना, तो मुझे और क्या कहना है इस विषय में। दादा, भाजपा सवाल उठा रही है कि जिस योजना का आपने अभी जिक्र किया वो सब बेमानी है, भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर लाई गई है। दूसरी बात, सरकार ने जो सबसे ज्यादा चीख चीख कर कहा था अपने चुनावी वादे में वो है रोजगार का मुद्दा, उस पर फेल्योर है। सारा पुलिस तंत्र को आप वसूली में लगा दिए हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर फेल है। सरकारी आंकड़ा कह रहा है 1,00,000 से अधिक अपराध हो गए। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि एक भी फाइनेंशियल इररेगुलेटरी 2 सालों में यदि लेकर कोई आया तो उसका एक उदाहरण हमको दे दे। दूसरा, इस राज्य सरकार के जो कामकाज है, चूंकि चीजें अब वेग नहीं, चीजें अब नियमावली के साथ बन रही है, जेएससीसी का पहली बार नियमावली बना, जेपीएससी का नियमावली बना, तमाम जो नियुक्तियां होनी उसकी नियमावली आज तय की गई। और मैं आपको कह के जा रहा हूं कि 15 तारीख के बाद नियुक्ति, जो हमने कहा है कि ये वित्तीय वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा, वो हम साबित करके दिखाएंगे। दादा, ये तो मुद्दों से पलायन की बात हो गई, इस वर्ष को बताया जा रहा था, अब आप फाइनेंशियल ईयर जोड़ रहे हैं। देखिए, सरकार का जो वर्ष होता है वो मार्च टू अप्रैल होता है। जिनको नहीं समझना है उनको तो कुछ भी नहीं समझना है। बाबूलाल जी, मैं इसी विषय में आपको कह दूं, फिर भूल जाऊंगा, कि जो आंगल नववर्ष आने वाला है उसका अग्रिम बधाई भी मैं आपको देता चलूं। धन्यवाद दादा। कई सवाल हैं बीजेपी के, बाबूलाल मारांडी के, कह रहे हैं जेपीएससी एक एग्जाम लिया, कोर्ट में है मामला, 49 को कह दिया हाँ ठीक है गलती से पास कर दिए थे। अब वो छात्र कह रहे ओएमआर सीट को सार्वजनिक करो, जेपीएससी करे हम नहीं करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं जेपीएससी जिंदाबाद है,
नियुक्ति बोले पैसा नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, भत्ता देंगे भत्ता नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी सरकार चुप है। उसके बाद कह रहे हैं कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन और डोमिसाइल बाय चॉइस, ये आंसू का सवाल है, दोनों को एक का घर पे ला दिए। आपका जो पहला सवाल था जेपीएससी पर, बाबूलाल जी के समय का जेपीएससी का जो अध्यक्ष और कई सदस्य, अभी उनका वर्तमान में ठिकाना कहाँ है थोड़ा पता कर लीजिएगा। तो आपकी तरह दिल्ली में हैं, बीजेपी में, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका ठिकाना कहाँ रहा। दिल्ली प्रसार अध्यक्ष की बात, अध्यक्ष की बात। दूसरा सवाल है जो ओएमआर हिट के सवाल है, वो सार्वजनिक किए गए दुष्प्रचार बंद हो। तीसरा सवाल जो 39 लड़कों जो बच्चों के ऊपर में 49 उस पर लोग स्वतंत्र है कोर्ट जाने के लिए। अब बाबूलाल मरांडी जी कब से चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट हो गए, ये अभी तक अधिसूचित हुआ नहीं है भारत सरकार के द्वारा। जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा ये अधिसूचित हो जाएगा, हम लोग उनके दिया हुआ जो फैसला है उसको सर्वमान्य कर लेंगे। दादा बीजेपी कह रही है कि जो धोती साड़ी योजना है उसमें क्वालिटी बहुत खराब है, 12% राशि खर्च हो रही है ग्रामीण विकास में, सरकार कैसे कह सकती है कि गांव का विकास हो रहा है। देखिए ये सभी चीज जो सरकारी आंकड़े, में पार्टी का प्रवक्ता, ये सभी चीजें सरकारी आंकड़े आपके पास में उपलब्ध हो जाएंगे, किस विभाग ने कितनी राशि खर्च की। और जो सवाल आपने कहा धोती साड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस देश के लोगों का चीर हरण ही कर लिया, महंगाई से अव्यवस्था के कारण सबका कपड़ा खुलवा लिया, लाशों को नदी में बहा दिया गया। हम तो रोटी कपड़ा और मकान साथ साथ जीवन का सम्मान में विश्वास करने वाले लोग। नहीं दादा आप जीवन के सम्मान की बात कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2 साल में 3154 महिलाओं के साथ रेप हुआ है आपकी सरकार में। भैया मैं बाबूलाल मरांडी जी से एक बात कहूंगा, ईमानदारी पूर्वक को राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे, वे एनसीआरबी के आंकड़े ले रहे महिला उत्पीड़न के नाम पर, उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2 है, तीसरा राजस्थान है, और झारखंड का स्थान कितना है, और वो प्रतिशत पे होता है, मैं संख्या पे नहीं। इसलिए हमने मॉब लिंचिंग जो कानून लाने का काम किया, इसमें जो डाइन बिसाई प्रथा है उसको भी इसमें शामिल करने का काम दीपक आरोप है कि मॉब लिंचिंग की परिभाषा आपने 2 या उससे अधिक कर दी है, वो गलत है। मॉब 2 या 2 से अधिक को नहीं, 2 को आप कैसे कह सकते हैं कि मॉब हुआ। दूसरी बात करें कि इस सरकार में सरकारी आंकड़ा है 16 मॉब लिंचिंग हुआ, लेकिन उस उन आरोपियों का क्या है, अभी भी है वो जेल के बाहर। तो सरकार एक मॉब लिंचिंग करके सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करने जा रही है, जो कानून लाए मॉब का परिभाषा आप लोगों ने गलत दिया है। देखिए दीपक जी बहुत वरिष्ठ आदमी है, अभी वो धर्म संसद से बड़ा प्रेरित है जो जेनोसाइड की भी बात करते हैं, और 2 से ज्यादा से लोगों को मारा जा सकता है, इसमें उनको एक्सपर्टाइज है। उनको ये भी मालूम है कि रामगढ़ में
जो मॉब लिंचिंग के बाद जो लोग जेल गए थे तो केंद्रीय मंत्री उनको माला पहना के स्वागत किए थे। इसलिए उनकी ये इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक हत्यारों को कि संख्या न्यूनतम 5 हो तो उसका डिमांड करें। यही उन्होंने कहा भी है कि धारा 144 में भी 5 संख्या मानी जाती है। मतलब वो चाहते हैं कि आदमी को पूरी तरह मार दिया जाए, उनके जीवित बचने का कोई सवाल ना रहे। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है क्या कि कम से कम मुझे ये कानूनी जत मिले कि आरएसएस मनुवादी लोग 5 की संख्या में होकर अल्पसंख्यक समुदाय को, दलित को, आदिवासी को, मूलवासी को मारने का उनको कानूनी हक मिले। ये तो अजीब, ये तो हम लोगों ने अभी इसका अपवाद मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि हरिद्वार का धर्म संसद, कल का रायपुर का धर्म संसद, मध्य प्रदेश का धर्म संसद, उत्तर प्रदेश का धर्म संसद, वो धर्म संसद हो रहा है कि स्लॉटर हाउस का निर्माण किया जा रहा है इस देश में, वधशाला, और नाम लेके कहा जा रहा है। देश के वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी क्या इस तरह से यह देश चलेगा? क्या यह हिटलर का राज है जहां गैस चैंबर बनाया जाएगा और यहूदियों को मारा जाएगा? इसलिए तीव्र भाषा में दीपक जी के इस वक्तव्य का ना केवल खंडन करता हूं, उसकी भर्त्सना भी करता हूं। सर सुधीर दादा, दो सवाल है, छोटा छोटा, रुक जाना जी। स्थानीयता को परिभाषित कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद आपने, पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री ने भाषण में कहा था कि पहली कैबिनेट में, उसका क्या हुआ? देखिए, मैं सुदेश जी को बहुत लैंड रिकॉर्ड मंगवाए 1932 से, ये एक न्यू बाउंड्री का खोला जा रहा है। उसके बाद स्थानीयता का भवन वहां बनेगा, साथ साथ उनकी सारी जो भावनाएं, उन भावनाओं का भी निराकरण हो जाएगा। अभी हमने लैंड रिकॉर्ड को लेकर और जो रीजनल लैंग्वेज को लेकर बाउंड्री के ऊपर जो फेंसिंग होता है वो हमारा रीजनल लैंग्वेज का फेंसिंग है और बाउंड्री हमारा लैंड रिकॉर्ड है। कांग्रेस तो आपसे इत्तेफाक नहीं रख रही है, कह रही है कि यहाँ के कई भाषाओं को आपने शामिल नहीं किया है, उसका विरोध कर रही है कांग्रेस खुलेआम तौर पे, सदन में भी, सड़क पे भी सारे विधायक कह रहे हैं कि नहीं, आपको अंगिका, भोजपुरी, मगही, इनको शामिल करना होगा राज्य स्तरीय में। उस पे निर्णय हो चुका है, स्थानीय स्तर पर सभी को मान्यता मिल चुकी है। नहीं, वो जिला स्तर की नौकरियों पर, राज्य स्तर की नौकरियों पर नहीं है, जिला स्तरीय नौकरियों पर ही मैं कह रहा हूँ। पर वो तो मांग कर रहे हैं राजस्थान। नहीं, नहीं, उनको मिल गया है जवाब, इसलिए आप देखेंगे कि आज भी कांग्रेस के 4 मंत्री हेमंत जी के मंत्रिमंडल में हैं और कांग्रेस के सभी विधायकगण सरकार के साथ सदन के अंदर में। मतलब आप इस एतराज को एतराज नहीं मानते जब तक वो साथ है? नहीं, वो है ही साथ और ये उनका भी कम। ठीक है दादा, तो एक सवाल है मेरा, सीता सोरेन और आपके सीनियर विधायक है लोबिंदर,
वो सरकार को शराब बेचने पे कह रहे हैं और आंदोलनकारी को अभी तक चिन्हित नहीं किया जा रहा। आयोग में एक पुराने एक्स डीएसपी को बैठा दिया, बोला जिसने लाठी चलाया वही चयन करेगा कि कौन है आंदोलनकारी। और सीता सोरेन का कहना है कि कई जगह पुलिस भ्रष्टाचार में दिख रही है, उन्होंने ट्वीट करके भी आरोप लगाया, मुख्यमंत्री के भी बाग पे भी आरोप लगाया। नहीं, वो मेरे ही पार्टी की वरिष्ठ विधायक भी हैं, हम लोगों की पदाधिकारी भी रही है, उनके जो भी कंसर्न है वो हम लोगों के भी कंसर्न है। इस पे जो बाध्यता था वो आईपीएस लेवल का था, चिन्हितीकरण आयोग में, उसको सरकार ने, क्योंकि आईपीएस ऑर्डर पास कर सकता है डंडा चलाने का, डीएसपी उसको ताबील करता है, इसलिए आईएएस को हटा दिया गया। और उसमें देखिएगा, दो मेंबर हम लोगों ने जिनको सरकार ने नामित किया, गुआ गोली कांड का वो भुवनेश्वर जो मेहता है, भुवनेश्वर महतो हम लोग के चक्रधरपुर के, उसके आंदोलनकारी रहे। और आप लोगों को याद होगा संथाल परगना का जो महाजनी मुक्ति आंदोलन, उसके नरसिंह मुर्मू मुखिया जो है चितवा के गुरु जी के साथी रहे, वो उसके मेंबर। तो सही आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम सही व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाएगा। शराब क्यों बेच रही है सरकार? हमको लगता है कि भारत सरकार ने कह रखा है राज्यों को, बिहार को छोड़कर और कुछ हद तक गुजरात को छोड़कर, कि आप शराब बेचो। अब भारत सरकार का फरमान कोई राज्य सरकार नहीं मना कर सकती है क्या? लेकिन बाबा नहीं चाहता ना। देखिए, बाबा तो शराबबंदी के खिलाफ है ही और उस पर हम लोग भी कमिटमेंट है, लेकिन चूंकि ये सरकारी व्यवस्था है, भारत सरकार के द्वारा आबकारी विभाग बनाया गया, सेंट्रल एक्साइज उनके अंडर में, वो सेंट्रल एक्साइज बंद कर दे, हम शराब बेचना बंद करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद दादा।